कौशाम्बी जनपद के चायल तहसील के भोपतपुर तारापुर गांव के कोटेद्वार से त्रस्त जनता ने भोपतपुर ग्राम प्रधान से गांव के ही कोटेदार के द्वारा की जा रही मनमानी व भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, जिसको ग्राम प्रधान विजय बहादुर द्वारा गंभीरता से संज्ञान में लिया गया। बता दें कि कोटेदार की शिकायत खाद निरीक्षक चायल से की गई थी, जिस पर गंभीर होकर खाद निरीक्षक चायल रेणु द्विवेदी द्वारा कार्ड धारकों का बयान लिया गया, जिस पर 37 कार्ड धारकों द्वारा कोटेदार द्वारा राशन नहीं देने की बात कही गई और किसी का यह भी कहना था कि अंगूठे लगाने के बाद भी राशन ही नहीं दिया जाता है। वहां पर उपस्थित लोगों ने बताया कि कोटेदार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक का शुल्क लेकर राशन दिया जाता है और पीड़ित द्वारा की गई शिकायत को नोट कर लिया गया और दिए गए बयान को अभिलेखों से मिलान करने के बाद कोटेदार के ऊपर कार्रवाई तय की जाएगी। कौशाम्बी से सुनील साहू की रिपोर्ट, प्राइम मिटी न्यूज। यहाँ कार्ड धारकों की जांच थी, कार्ड धारक ग्राम प्रधान जी द्वारा शिकायत की गई थी कोटेदार की, कार्ड धारकों को सही से राशन नहीं मिल रहा है, दुर्व्यवहार किया जाता है, उसी संबंध में जांच की गई। कितने कार्ड धारकों ने शिकायत की? हमारे पास तो ग्राम प्रधान की शिकायत आई है। नहीं, आपने जो जांच की है तो कितने कार्ड धारक? उसमें 37 कार्ड धारकों का बयान आया है हमारे पास, लेकिन ये अभी हम चेक करेंगे कि उनके कार्ड बने भी हैं कि नहीं, कहीं निरस्त तो नहीं हो गए हैं। जनरली निरस्त कार्ड के जो है शिकायत थी। क्या शिकायत उन्होंने क्या बताया आपने? हाँ, यूनिट जैसे किसी अभाव में, आधार के अभाव में यूनिट निरस्त हो गई है, राशन कार्ड निरस्त हो गया, किन्हीं कारणों बस अंगूठा नहीं लगता था, ज़्यादातर ऐसी शिकायत थी। और कुछ ने खाद ठीक शिकायत आपकी? ग्राम प्रधान विजय बहादुर, भोपतपुर ग्राम पंचायत। हमारे यहाँ शिकायत आई कि गल्ला कम दिया जा रहा है। मैं इंस्पेक्टर सप्लाई के फ़ोन करके मैं तुरंत बोला कि मैम यहाँ पर गलत हो रहा है, राशन कम दिया जा रहा है, अब बढ़ा के पैसा लिया जा रहा है। तो तब उसमें कार्रवाई में एप्लीकेशन देख चले, आज जांच करके चले गए, जिसमें से 30-35 लोग के इंस्पेक्टर सप्लाई। कितने लोगों ने शिकायत अपनी? 30-35 लोग। किस संबंध शिकायत थी? शिकायत थी कि हमें 2 किलो कम गल्ला दिया जा रहा है, और कह रहे हैं कि नहीं दूंगा, जो करना कर लीजिए। कौन कह रहा है? अजीत पटेल। कौन है ये? कोटेदार। कोटेदार के बेटे हैं? कोटेदार बेटे। क्या नाम आपका?